तो आज बात शुरू हो रही है संडे की शाम से। तो ये संडे की शाम का वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि शाम में आए थे अंकल आंटी, उनके जाने के बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए उठ गई थी। आज घर में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि आज गोल्डी भी चली गई, तो केवल मैं, सावनी और मम्मी बचे। तो अब सुनील आया करेंगे सुबह शाम केवल खाना खाने के लिए। अब तक घर में एकदम चहल पहल थी क्योंकि गोल्डी अनुप रहते थे तो उनके बहाने और लोग भी आया करते थे, तो पूरा घर भरा भरा सा रहता था। तो जब मैं रोटी बनाने के लिए चली तो सावनी ने कहा कि मैं रोटी बनाऊंगी मम्मा, तो मैंने कहा एक रोटी बना लो, बाकी मैं बनाऊंगी। और सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, तो ये रही सावनी वाली रोटी। थोड़ी सी मोटी और फिर पतली हो गई, लेकिन अच्छी बनी, आज अच्छी बन गई है। मम्मी की रोटी अरे यार सावनी की रोटी एकदम मस्त फूली है और कितनी अच्छी लग रही है यार। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ और मैंने बुला लिया था सावनी को सबका खाना लगाने के लिए। तो सावनी आ गई है, अब अपना अपने पापा का और नानी का खाना प्लेट में लगाएगी और फिर सब लोग साथ ही मिलकर खाएंगे। और मैं हमेशा ही सावनी को अपने साथ काम में इन्वॉल्व रखती हूँ ताकि वो भी कुछ धीरे धीरे करना सीखे। और इस तरीके से बच्चों को अपने साथ लगाए रहने से काम में बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है धीरे धीरे। तो गाइस डिनर रेडी हो गया है और ये है आज का डिनर, लौकी की सब्जी, कढ़ी और रोटी और साथ में नींबू मैंने काटा है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं डिनर। तो यहाँ पे चल रहा है कपिल शर्मा शो, सब लोग कपिल शर्मा शो देख रहे हैं और साथ में कर रहे हैं अपना डिनर। तो मैं भी अपनी प्लेट लेके आ चुकी हूँ और ढूँढ रही हूँ अपनी जगह कि मुझे कहाँ बैठना है। वेलकम बैक टू माई चैनल अजिताज लाइफ। मैं अजिता शुक्ला सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो पीछे खड़ी है सावनी और ये बना रही है पास्ता। पास्ता उबल चुका है, भगोने में ढका है और इधर इसने चढ़ाई है कढ़ाई और तेल पक गया है, डालो ना अब जो भी डालना है। तो ये सावनी की स्टाइल का पास्ता है। तो पहले तेल में ये डाल रही है प्यूरी प्याज और टमाटर की, डाल दो। ओके मैं प्यूरी डाल देती हूँ, चलो मोबाइल में रिकॉर्ड करो। सावनी बनाना चाहती है, अच्छा अभी बना लेगी तब मैं मिलूंगी। लेकिन सावनी बता दो क्या क्या डाल रही हो। इसमें आगे मैं सारे मसाले डालूंगी। कौन कौन से मसाले डालोगी, तुम्हारे आगे पीछे घूमना पड़ेगा क्या। गरम मसाला और बस हल्दी। गरम मसाला, हल्दी और बस, बताना नहीं चाहती अपना सीक्रेट ना। पास्ता पहले इसे पक तो जाने दो। पहले अच्छे से पक जाने दो, फिर जो डालना होगा डालना। अभी सावनी सीख रही है, ये अपने स्टाइल में बना रही है और फिर इस वजह से मैं इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करी, बस इतना बता रही हूँ कि पका है कि नहीं पका है। तो अभी तुम्हारा पका नहीं है, इसे अच्छे से पकाओ। अच्छा बन जाएगा ना तो फिर दिखाते हैं। तो जब तक सावनी बना रही पास्ता तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ अपना ये सूट। आज मैंने ये सूट पहना है, ऊपर यहाँ पे पूरी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी है, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, बहुत ही अच्छा है, एकदम गर्मियों के लिए तो परफेक्ट सूट है। एकदम बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट सॉफ्ट है इसका कपड़ा और इसके साथ दुपट्टा बहुत ही प्यारा शिफॉन का दुपट्टा है, ये स्काई ब्लू और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है, दोनों मिक्स है। बहुत ही प्यारा सूट है, एकदम गर्मी में बहुत अच्छा रहेगा पहनने में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। तो देख के आती हूँ सावनी का पास्ता कैसा, कहाँ तक पहुँचा, किस हाल चाल में है। चलो ट्राई करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो गई तो नहीं होगी ना, चलो बनाओ। पानी मर जाता है ना। हाँ पानी मर जाता है लेकिन पकने तो दो, पहले तक तो मरेगा, अभी उसको जिंदा, अभी वो जिंदा है, हमने उसको जिंदा रखा है। बन के तैयार हो गई सावनी की मैक्रोनी। सावनी की मैक्रोनी चिपक नहीं गई है, ठीक है सर्व करो जल्दी जल्दी, फटाफट खिलाओ यार, हम लोग इंतजार कर।
यहाँ पे हम माँ बेटी की कुछ बात हो रही है जिसको हम लोग आपके साथ नहीं शेयर कर सकते हैं। मैं तो शेयर कर देती लेकिन सावनी मेरा जीना आराम कर देगी। बहुत हंसी आ रही है हम दोनों को बात करके। तो फिर मम्मी आ गई थी, बहुत देर से देख रही थी सावनी मैक्रोनी कैसे बना रही बाहर बैठे बैठे। फिर उनसे रहा नहीं गया, अंदर आई देखा काच बहुत अच्छी बनी है। सावनी को लग रहा था कि अच्छी नहीं बनी है, तो मम्मी ने निकाली अपनी मैक्रोनी और फिर सावनी ने मेरे लिए और अपने लिए निकाली और हम तीनों ने बैठ के खाई आराम से मैक्रोनी। तो ऐसे बीती कुछ आज की हम लोगों की शाम। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जरा ही पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं बताना भूल गई थी, मम्मी मैक्रोनी नहीं खाती हैं लेकिन सावनी ने इतने प्यार से बनाई तो मम्मी को खाना पड़ गया। मम्मी जा रही थी घूमने के लिए अपने इवनिंग वॉक पे, लेकिन सावनी ने कहा नहीं नानी खा के जाइए, मैंने मैक्रोनी बनाई है। तो मम्मी ने कहा ठीक है फिर मैं अपने हाथ से निकालूंगी अपना खाऊँगी फिर। तो सावनी ने कहा चलो ठीक है, अदरवाइज़ मम्मी मैक्रोनी नहीं खाती हैं, बस सावनी के प्यार की वजह से खा रही हैं कि सावनी ने बनाई है। सावनी को सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, घर में सबसे छोटी है अभी। पापा कहा करते थे अगर बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग मजबूत करनी है तो उनको हमेशा अपने साथ जो भी काम करिए उसमें इन्वॉल्व रखिए, इससे बच्चे हमेशा पॉजिटिव भी रहते हैं और हमारी उनकी बॉन्डिंग भी मजबूत होती है। कभी बच्चों के सामने अपनी परेशानी को ना रखिए, क्योंकि आप तो अपनी परेशानी रख देते हैं और कुछ दिन में आपको उसका निदान ही मिल जाता है, लेकिन बच्चे क्या है उस चीज़ को सोच सोच के अंदर ही अंदर घुटा करते हैं और आप तो रो देते हैं बाहर लेकिन वो मन ही मन रोया करते हैं।